वेलकम टू माय चैनल, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि कल मैंने प्रोजेक्ट जो हमें 11th क्लास में बनाना है अपना एनिमल, उससे रिलेटेड वीडियो डाली थी और उसमें बताया था कि आपको सैम्पल प्रोजेक्ट मैं प्रोवाइड करूंगा। तो जो एनिमल हमारा प्रोजेक्ट होता है, जो इंटरनल असेसमेंट में काउंट होता है, CBSE का होता है और 20 मार्क्स का होता है, जिसकी गाइडलाइंस मैंने कल की वीडियो में डाली थी। तो आज उसी का एक सैम्पल प्रोजेक्ट, और क्योंकि अकाउंट्स में हम 3 टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो उसमें से मैंने आज एक प्रोजेक्ट को कवर किया है आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इससे हेल्प मिलेगी, और आप अगर सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल रहेगी। बस आपको आखिर तक देखनी होगी सो देट आप समझ पाएँ कि आपको क्या काम करना है और किस तरीके से करना है। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी और प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो चलते हैं आगे। शुरुआत जब हम फाइल की करेंगे, अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है हमें प्रॉपर वे में, और जब ये फाइल हम बनाते हैं तो इसकी एक तरफ लाइन वाला पेज होता है और एक तरफ हमारा ब्लैंक पेज होता है। तो लाइन और ब्लैंक पेज वाली ही फाइल हमें बनानी है, उसका प्रॉपर यूज़ करना है हमें। फ्रंट पेज हमारा ये होगा जिसके अंदर हम CBSE बोर्ड रोल नंबर, नहीं आपको स्कूल का ही रोल नंबर लिखना है, क्योंकि ये हमारा 12th में लिखा जाता है। यहाँ पर आप अपने क्लास रोल नंबर ही लिखेंगे, तो आपको अपनी क्लास रोल नंबर लिखना है, CBSE बोर्ड रोल नंबर नहीं लिखना एक तरीके से, ठीक है? क्योंकि बोर्ड की क्लास 12th होती है, तो ये 12th के लिए था, तो वहीं से कॉपी किया गया है, उस वजह से ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। आप सेशन डालेंगे जो इस साल सेशन चल रहा है उसका, फिर अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, किसने बनाया है, मतलब कि स्टूडेंट्स खुद अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, और जिस सब्जेक्ट टीचर्स को वो जमा करा रहे हैं उस सब्जेक्ट टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट पेज। फ्रंट पेज के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट देनी होती है, और ये एज़ यूजुअल ऐसी ही होती है, इसकी लैंग्वेज लगभग लगभग ही होती है, थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो आप लिखोगे कि जो भी आपके टीचर्स हैं उनका नाम और आपके प्रिंसिपल सर या मैम का नाम, कि उन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको गाइड किया है, आपको जहाँ भी उनकी वैल्यूएबल एडवाइस की ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने आपको वो प्रोवाइड की, तो आप उनको यहाँ उनकी जो हेल्प है या उनकी गाइडेंस जो है उसको एक्नॉलेजमेंट आप देते हैं और अपने साइन करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा एक्नॉलेजमेंट पार्ट। इसके बाद सब्जेक्ट टीचर जो हैं वो सर्टिफिकेट देते हैं, ये सर्टिफाई करते हैं यहाँ साइन कर कर के ये प्रोजेक्ट जो है वो उनकी गाइडेंस में और उनके सुपरविज़न में बना है। क्लास 12th नहीं है, क्लास 11th है, तो यहाँ पर हम क्लास 11th लिखेंगे, और जो भी नाम होगा स्टूडेंट का वो नाम आएगा, और उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो यहाँ पर साइन कर देंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट नेक्स्ट पेज जो होता है हमारा लाइन वाले पेज पर हम लिखेंगे प्रोजेक्ट वर्क हम कर रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट पे प्रोजेक्ट वर्क है। एक कंपनी आपने अपने आप एज्यूम की होगी, जैसे मैंने की है, तो जैसे मैं स्टेशनरी लिमिटेड का मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उनसे रिलेटेड कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट मैं बनाऊँगा यहाँ पर, तो आप ये लिखेंगे उस हिसाब से जो भी कंपनी का आपने नाम सेलेक्ट किया होगा। तो ये था हमारा वो फ्रंट पेज, पहला पेज जहाँ से प्रोजेक्ट शुरू होता है। इससे पहले हम एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट वगैरह सब लगाएंगे। अब इंडेक्स आएगा, इंडेक्स के अंदर आप वो सारे पेजेस लिखेंगे, वो सारे टॉपिक्स लिखेंगे जो आपने इसमें कवर किए हैं, और अपने साइन कराएंगे सब्जेक्ट टीचर के। इंडेक्स के बाद जो हम सबसे पहले, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर है तो उसका मीनिंग हमें बताना ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग बता देंगे। ये आपको अपनी बुक्स में हर जगह मिल जाएगा, बाकी मैंने भी लिखा हुआ है। तो एक ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको बुक में रिकॉर्ड करने का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। अब ये चाहे कैश मीमो के रूप में हो, इनवॉइस के रूप में हो, सेल्स बिल हो, पे इन स्लिप हो, चेक हो, सैलरी स्लिप हो, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ द एविडेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। उसी के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट है, और हमारा ये टॉपिक हमारी 11th क्लास के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। फिर आते हैं वाउचर्स। तो वाउचर में ही सोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं, इसलिए वाउचर्स की डेफिनेशन भी आप वही पढ़ेंगे और वही डॉक्यूमेंट आप उसमें पाएंगे। दो टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक को हम ये सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, और इसके बाद एक आता है अकाउंटिंग वाउचर। तो यहाँ हम इन दोनों को ही बनाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर को भी हम प्रिपेयर करेंगे, साथ ही साथ हम सोर्स डॉक्यूमेंट को भी प्रिपेयर करेंगे। यही इस वीडियो में हम या इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम सीखेंगे। तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बाकी कुछ खास इसमें ऐसा नहीं लिखा।
आगे चलते हैं तो आगे जो है हमारा वो ये आता है कि प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर जब हम करते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर जो है वो जब भी अकाउंट्स में हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें अकाउंटिंग वाउचर बनाना होता है। वो अकाउंटिंग वाउचर उन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड होता है जो हमारे पास एक उस ट्रांजेक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। टाइप ऑफ वाउचर्स अगर हम अकाउंटिंग वाउचर की बात करें तो एक कैश वाउचर होता है और एक नॉन कैश वाउचर होता है। कैश वाउचर में एक डेबिट वाउचर होता है, एक क्रेडिट वाउचर होता है। डेबिट में डेबिट अकाउंट जो होता है उसका नाम हम लिखते हैं, क्रेडिट कैश होता है उसमें, तो वो अंडरस्टूडेबल होता है इसलिए उसको क्रेडिट करके नहीं दिखाया जाता, सिर्फ डेबिट की जो आइटम है वो दिखाई जाती है। तो मतलब कि डेबिट वाउचर जब बनता है जब हम किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं कैश में, ठीक है। ऐसे क्रेडिट वाउचर में सिर्फ क्रेडिट साइड को दिखाया जाता है, डेबिट में कैश होता है। ये जब होगा जब हम कोई चीज़ सेल कर रहे हों, ठीक है। तो जब आपके पास से पैसा जा रहा है एक तरीके से तो जब आप डेबिट वाउचर बनाएंगे, और जब पैसा आ रहा है जब आप क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। और जिन ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता वहाँ पर हमें ट्रांसफ़र वाउचर या जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं, उसी को हम जर्नल भी कहते हैं, जर्नल प्रॉपर कहते हैं, वाउचर तो क्या कहेंगे। खैर दो तरीके के होते हैं, एक ट्रांजेक्शन वाउचर और एक कॉम्प्लेक्स वाउचर। तो ये थे तो टाइप्स ऑफ वाउचर, ये इतना हमें अपना उसके अंदर यूज़ करना है प्रोजेक्ट में, जिससे हमें ये पता हम ये बता सके कि हमें इस टॉपिक की भी नॉलेज है। फिर वही है कि जिसके ऊपर आप बना रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखेंगे और जो जो उससे नेसेसरी डिटेल थी वो सारी आप यहाँ लिखेंगे कि हमें जो है ओनर है उस बिज़नेस का और उसने वो बिज़नेस स्टार्ट किया है, स्टेशनरी शॉप खोली है, एक पर्टिकुलर प्लेस मैंने ले ली और वहाँ पर मैंने उनकी वो शॉप खुलवा दी जिसके बेस पर ही मैं अपनी जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उनको रिकॉर्ड करूँगा। उसके बिजनेस का नाम अमेश स्टेशनरी लिमिटेड है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और उसने ये सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस किया है, तो आप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बताएंगे। फिर उसकी दुकान का क्या एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसने क्योंकि रजिस्टर्ड कराया अपने बिजनेस को, GST IN नंबर लेना जरूरी था, GST IN नंबर, तो वो उसने लिया है, वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। ये सब इमेजिनरी फिगर है, ठीक है, कोई भी ओरिजिनल मतलब कि जेन्युइन फिगर नहीं है, सब सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से बनाई गई है, तो इसीलिए सब काल्पनिक है। तो आप उसी को इस बात को याद रखना कि ये किसी का जेन्युइन नंबर नहीं है। तो आप कुछ भी ऐसा नंबर ले सकते हैं, अगर आपके घर में बिल आता है तो उसको वेरी करके आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इन ऑर्डर टू रन हिज बिजनेस उसने कुछ ट्रांजेक्शन की हैं, कुछ क्योंकि हम सारी रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो कुछ ट्रांजेक्शन को हमें अपनी बुक में रिकॉर्ड करना था जो ट्रांजेक्शन उन्होंने की थी। और हमें एक अकाउंट असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट किया है हमें स्टेशनरी लिमिटेड ने, और हमें उन ट्रांजेक्शन को अब रिकॉर्ड कर दिखाना है। तो इसी तरीके से आप लिखेंगे, नाउ प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर्स एंड सोर्स स्टोर और प्रिपेयर द सोर्स डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड। देखिए, या अकाउंटिंग वाउचर आप जब बनाएंगे जब आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, तो या तो सोर्स डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा जैसे आप परचेज करते हो सेल करते हो तो वहाँ अवेलेबल हो जाएगा आपका, पर जैसे आपने अपने एम्प्लॉई को सैलरी दी है तो सैलरी स्लिप आपको ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो तो उस समय आप सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर ही बनाओगे, तो सोर्स डॉक्यूमेंट उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है उस हिसाब से लगेगा, तो इसलिए या तो आप स्टोर करोगे एक सोर्स डॉक्यूमेंट को और या फिर उसको प्रिपेयर करोगे। तो आप अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। मैंने अभी दो परचेज की ट्रांजेक्शन ली है, एक कैश में है और एक क्रेडिट में है। ऐसे ही मैंने दो सेल की भी ट्रांजेक्शन ली है, वो भी एक कैश में है और एक क्रेडिट में है। तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में फिर उसको रिकॉर्ड करना है, तो हम देखेंगे कि उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। कल जब बताया था तो तीन ही स्टेप बताए थे आपको, सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है, या तो बनाओगे आप खुद, क्योंकि अभी जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम खुद बनाएंगे सोर्स डॉक्यूमेंट, हमें बाहर से तो मिलेगा नहीं। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम फिर वाउचर बनाएंगे अकाउंटिंग वाउचर, और उसके बाद हम उसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तीन स्टेप्स हैं हमारे। तो शुरुआत होती है, जैसे पहली जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन ये है कि आकाश फर्नीचर से जो दिल्ली का एक सेलर है उससे हमने 17,000 का फर्नीचर खरीदा है, जहाँ पर GST की जो रेट है, क्योंकि मैंने GST इंक्लूड कर
रखा है इसके अंदर। तो जीएसटी की रेट जो है फर्नीचर पर 12% थी, तो इस बेस पर हमें क्या करना था, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना था। तो सबसे पहले क्योंकि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम जो है सोर्स डॉक्यूमेंट बनाएंगे सबसे पहले, कि सोर्स डॉक्यूमेंट कैसे बनता है हम ये सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो सबसे पहला पार्ट करेंगे कि हम सोर्स डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो देखिए ये है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया जाएगा, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, जो हमें बेच रहा है, मतलब कि आकाश फर्नीचर ये बनाता है और हमें लिमिटेड को देता है। तो इसलिए जो सेलर है उसका नाम पहले आता है और जो बायर है उसका नाम बाद में आता है। उससे रिलेटेड जो नेसेसरी डिटेल हैं वो यहाँ पर लिखी मिलेंगी आपको। अब उसका क्या एड्रेस है और उसके क्या टेलीफोन नंबर है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, स्टेट कौन सी है, स्टेट का कोड क्या है, तो ये कोड आपको ऑनलाइन सर्च करने पर ईजिली मिल जाएंगे। बाकी दिल्ली और यूपी का मैंने दो कोड ले रखे हैं, बाकियों के भी आप ढूंढ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आपको लिखना है जीएसटी कोड और आपको ये कोड अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखिए और क्या क्या, क्योंकि एक ये टैक्स इनवॉइस है, सोर्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, सेल हो रही है और सेल भी कौन सी है, कैश परचेज। कैश का मतलब आपने एनईएफटी के थ्रू पेमेंट की है, तो मैंने मोड ऑफ पेमेंट में एनईएफटी यूज़ किया है, तो इसीलिए कैश ही इसको कहेंगे। कैश और बैंक एक ही मानी जाती है, इसलिए उसको दोनों को हम एक कह सकते हैं। ये वो टैक्स इनवॉइस है, मतलब कि ये बिल मिला होगा किसको, हमें स्टेशनरी को फर्नीचर खरीदने का, कौन दे रहा है, आकाश फर्नीचर। तो इनवॉइस नंबर आता है, इनवॉइस की डेट आती है, क्या पेमेंट का मेथड है वो आता है, सप्लायर अगर होता, क्योंकि सप्लाई तो हो नहीं रही इसलिए यहाँ पर सप्लायर रेफरेंस नंबर नहीं आ रहा। हाँ, बायर का ऑर्डर नंबर आ रहा है, जिस दिन उसने ऑर्डर दिया था, किस डेट को ऑर्डर दिया था वो है, डिलीवरी कब होगी वो होगी, डिस्पैच नंबर आता है डॉक्यूमेंट का, साथ ही साथ कैसे उसको डिस्पैच किया जाएगा वो बता रखा है और किस जगह पर जाएगा ये भी बता रखा है। यहाँ इन दोनों की नेसेसरी डिटेल थी जो आ रही हैं। अब क्या क्या ख़रीदा वो यहाँ पर बताया जाता है। देखिए जब सबसे पहले क्या ख़रीदा हमने, फ्रंट काउंटर ख़रीदा, क्योंकि जब स्टेशनरी शॉप है तो आपको काउंटर चाहिए, मैंने एजम्पशन की थी उस हिसाब से मैंने लिख दिया। ये एक HSN कोड होता है हर एक पर्टिकुलर आइटम का और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इशू किए गए हैं, तो ये आप ईजिली सर्च कर सकते हैं थ्रू जो है गूगल सर्च, और अगर नहीं आते तो फिर आप अपनी इमेजिनेशन से, क्योंकि आप आर्टिफिशियल ही काम कर रहे हैं अभी, तो आप उसको रख सकते हो, पर मैंने उसको जेन्युइन बनाने के लिए इनके HSN कोड वही रखे जो आपके ऑब्वियसली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं, वहीं से इनकी GST रेट भी आई है, ठीक है। अब कितना कितना ख़रीदा यहाँ पर बता रखा है, एक फ्रंट काउंटर ख़रीदा है, दूसरा बुक शेल्फ खरीदी है, क्योंकि स्टेशनरी की दुकान है तो वो ऐसा सामान ज़रूर रखेंगे जिनको उन्हें उस बुक शेल्फ में रखना होगा। तो 6 बुक शेल्फ खरीदी है, एक बुक शेल्फ 2000 की है तो टोटल 12000 की बुक शेल्फ खरीदी। एक जो है फ्रंट काउंटर ख़रीदा जिसका रेट 5000 है, तो वो 5000 का हो गया, ठीक है। पर का मतलब होता है कि यहाँ कितनी क्वांटिटी है, और वो जैसे डजन होता तो फिर मैं यहाँ डजन लिख देता, ठीक है। पर 5 होता तो 5 पीसेस लिख देता, या बॉक्स होता तो बॉक्स के हिसाब से लिख देता, तो रेट उसी हिसाब से चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद टैक्स डिटेल, जो टैक्स जो है चार्ज किए हैं किसने, आकाश फर्नीचर से, किससे चार्ज किए हैं, अमेय स्टेशनरी से। अब क्योंकि एक दिलशाद गार्डन दिल्ली का है और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश का है, तो स्टेट चेंज हुई, इस वजह से क्या लगा, IGST लगा, तो IGST लगा दिया पूरे 12% से निकाला और उस अमाउंट में प्लस कर दिया, और ये फिर उस कंपनी की जो मतलब कि आकाश फर्नीचर की बैंकिंग डिटेल आती है, क्योंकि हमने NEFT करी होगी तो इसको यूज़ ज़रूर किया होगा। ये आकाश फर्नीचर का एक पेन नंबर आता है, ये भी सब इमेजिनरी है, कोई भी फिगर जो है वो एक्चुअल नहीं है, तो ये टैक्स इनवॉइस मैंने खुद बनाया है और फिर इसको यहाँ पर आपके सामने रखा है, तो आप बहुत अच्छे ढंग से इसको विदिन 2 to 3 days जो है पूरा कर सकते हैं। फिर ये डिक्लेरेशन आ रही है कि हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो भी इसमें दिखाया गया है वो बिल्कुल एक्चुअल है और ट्रू एंड करेक्ट है, ये डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। तो ये टैक्स इनवॉइस होता है जो सबके कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से जनरेटेड होता है, सब उसको यूज़ करते हैं, अभी हमें खुद अपने आप बनाना पड़ेगा जैसे मैंने बनाया है। तो ये सबसे पहला स्टेप था हमारा कि हमें सबसे पहले क्या बनाना था, सोर्स डॉक्यूमेंट। जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट बना लेंगे उसके बाद हमें वो वाउचर बनाना होगा अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है,
परचेज़ हो रही है, मैं तो यहाँ पर हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज़ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए मैं पेमेंट क्योंकि NFT मतलब कि कैश या बैंक से कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा क्या बनेगा, डेबिट वाउचर बनेगा। डेबिट वाउचर में क्या है, ओब्वियसली है इसके क्रेडिट में अपने आप ही पता चल रहा है, क्योंकि अब मैंने NFT से पेमेंट की है, तो क्या आ रहा होगा, बैंक अकाउंट आ रहा होगा। ठीक है, तो क्रेडिट हमें पता है क्या हुआ है, हमें डेबिट वाउचर बनाना था, तो यहाँ से हम डेबिट वाउचर बना पाए। डेबिट वाउचर में मेरी कंपनी का नाम आएगा, मतलब कि मैं स्टेशनरी जिसके मैं अकाउंट बना रहा हूँ, मैं तो एक अकाउंट असिस्टेंट हूँ उसका, उसके लिए काम कर रहा हूँ। वाउचर का नंबर दिया गया, जैसे मैंने दे दिया वाउचर नंबर 1, क्योंकि मैंने बिजनेस शुरू किया था इसलिए मैंने ये लिख दिया। जिस डेट को मुझे डिलीवरी हुई है मैं उस दिन को बनाऊँगा, पीछे जाते हैं देखते हैं डिलीवरी किस डेट को थी, इस डेट को थी, तो ये वो डेट मैंने वहाँ पर डाली है। ठीक है, और मैंने उस वाउचर को रिकॉर्ड कर लिया है। फर्नीचर खरीदा है 17,000 का, वो लिख दिया। इनपुट IGST पे किया है, वो भी लिख दिया। फिर बताया कि कैसे पे की, NEFT करी, और उसका ट्रांजैक्शन रेफरेंस ID भी यहाँ पर लिख दी। तो ये नरेशन होती है जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें इस अकाउंटिंग वाउचर से ही कि क्या ट्रांजेक्शन थी हमारी। तो ये अकाउंटिंग वाउचर वो हर चीज़ कंटेन करता है जिसकी थ्रू आप इजीली समझ पाएँ कि आपने क्या किया है। बाकी सोर्स डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारे पास है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट था। फर्स्ट में सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया हमने प्रोजेक्ट में, दूसरा हमने डेबिट वाउचर बनाया। डेबिट वाउचर बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, तो इसकी पोस्टिंग करनी होती है, पर पोस्टिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि एक ट्रांजेक्शन अभी और आएगी, तो वो सारी मैं एक साथ ही पोस्टिंग लास्ट में करूँगा। 4 ट्रांजेक्शन मैंने ली हैं, आप भी 5 से 6 ट्रांजेक्शन लेकर अपने प्रोजेक्ट को बना लीजिएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको सैंपल दिखाना था इसलिए मैंने 4 ट्रांजेक्शन ली हैं, आप 5 से 6 ले सकते हैं। और जो मैंने ली हैं सिर्फ, आप उनसे बाहर भी जा सकते हैं, जैसे आप सैलरी पेमेंट की भी क्या दिखा सकते हैं, एक वाउचर और एक ट्रांजेक्शन दिखा सकते हैं, आप रेंट पे की भी दिखा सकते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आप किस तरीके से दिखाने हैं। रेंट में रेंट रिसिप्ट बनती है, सैलरी जब पे करोगे तो सोर्स डॉक्यूमेंट में आप क्या बनाओगे, सैलरी स्लिप। तो आप ये, आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं जिनको आप यूज़ कर जो है डिफरेंट टाइप में, जैसा मैंने किया है वैसा, बस आपके ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट को। तो ट्रांजेक्शन 2 ली, ये भी परचेज की है, पर अब की बार जो परचेज हुई है वो क्या कर रहे हैं, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वर्ड गुड्स यूज़ किया है। और किससे खरीद रहा हूँ, आकाश स्टेशनरी से, क्योंकि मुझे नाम चेंज करना था तो मैंने आकाश फर्नीचर को ही क्या बना दिया, आकाश स्टेशनर। ठीक है, आप डिफरेंट नेम भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको गाजियाबाद का ही दिखाया, मतलब कि उत्तर प्रदेश का ही दिखाया, जिससे विद इन स्टेट आप काम कर सकें कि स्टेट के अंदर हूँ तो कैसे हमें GST को चार्ज करना है, तो ये उसके लिए भी ज़रूरी था। तो क्या क्या चीज़ें खरीदी वो सारी मैंने यहाँ पर बता रखी हैं, उनके क्या HSN कोड हैं वो बता रखे हैं, क्या रेट ऑफ GST है वो बता रखी है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है वो बताई है, रेट पर क्वांटिटी वो भी यहाँ पर मेंशन है, पर जहाँ पर बॉक्स है वहाँ बॉक्स है, जहाँ पर नंबर्स हैं वहाँ पर नंबर है। तो अब इसके परचेज करने की हमें फिर एक टैक्स इनवॉइस मिलेगा हमें स्टेशनरी को, किससे, आकाश स्टेशनर से। अब वो कैसा मिलेगा ये हमें खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर बताया, पहला काम मेरा इस सोर्स डॉक्यूमेंट को बनाना ही है। अब देखिए ऊपर अब आकाश स्टेशनर हो गया, लगभग बाकी चीज़ें मैंने सेम रहने दी, सो दैट मैं तो उसको यूज़ कर रहा हूँ। मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो गया, बस यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट क्या हो गया, NEFT से हटकर क्या हो गया, क्रेडिट। डिलीवरी डेट क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अकाउंटिंग वाउचर इसी डेट पर बनाएंगे। बाकी लगभग चीज़ें वही हैं, बैंक डिटेल भी मैंने वही रखी है। ठीक है, क्योंकि हमें अभी सिर्फ एक इमेजिनरी जो है आपके सामने उसको रखना है, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें वही रखी हैं। ये मेरा है जिसका मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो उसकी डिटेल नीचे है, अभी वो बायर है, ख़रीदने वाला है, जो ख़रीदा वो सारी चीज़ें वही कॉलम जो वहाँ थे वो लिए, बस मल्टीप्लाई कर उनके अमाउंट निकालने शुरू हो गए। जब हम अमाउंट निकाल लेते हैं तो इतना हमारा टोटल आता है। अब इस टोटल में देखो तो पहले 3 के ऊपर देखिए, पहली 3 आइटम, अब इन पहली 3 आइटम का टोटल हमें अलग करना पड़ेगा। तो जब हम इनका टोटल करते हैं तो ये 3,250 होता है। इस 3,250 पर आपको 12% GST मिलेगा या पे करोगे आप। और जो नीचे की चीज़ें बचती हैं, मतलब कि 1900 की,
इसके ऊपर आप 18% जीएसटी पे करोगे। तो इसलिए आप देखोगे अब क्योंकि ये विद इन द स्टेट है तो 12 भी डिवाइडेड हो गया 6% एंड 6% में, और ऐसे ही 18 भी डिवाइड हो गया 9% एंड 9% में। तो एसजीएसटी भी लग रहा है और सीजीएसटी भी लग रहा है। आईजीएसटी इसमें खाली पड़ा है क्योंकि आपने एक स्टेट से बाहर जाकर जो है गुड्स को नहीं खरीदा है। तो इन अमाउंट्स पर 6% निकाला है, तो पहले 195 आया है, जब 9% निकालता हूँ तो 171 आता है, फिर सीजीएसटी में 195 और फिर आई जो क्या कहते हैं 9% वाला सीजीएसटी है वो 171। तो इस तरीके से हम टोटल यहाँ पर टैक्स भी दिखा देंगे। ये आपका टोटल गुड्स को परचेजिंग प्राइस था, उसमें ये इनपुट जीएसटी पे किया आपने, और इस तरीके से आपका जो फाइनल अमाउंट जो है जो आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो उधार में है, तो वो कितना है 5882। तो यहाँ पर हमारे लिए आकाश स्टेशनर का नाम यूज़ करना ज़रूरी है। जब अकाउंटिंग वाउचर पे हम जाएंगे तो अब कैश वाउचर नहीं बन सकता, तो हमें किस पे जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र वाउचर पर। ट्रांसफ़र वाउचर एक जर्नल एंट्री टाइप ही होता है, तो अब हम क्या बनाएंगे, ट्रांसफ़र वाउचर बनाएंगे जहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को लेंगे क्योंकि कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो हम ट्रांसफ़र वाउचर या जर्नल प्रॉपर बना रहे हैं या जर्नल वाउचर बना रहे हैं। डेट अभी दिखाई थी आपको, डिलीवरी डेट क्या थी, मेरी कंपनी का नाम वो लिख दिया, परचेज जितने में करी वो लिख दी, देखिए उसके बाद जितना जितना जोन जोन सा इनपुट आपने पे किया है उन सब के अमाउंट यहाँ पर लिख दिए, टोटल कर लिया। नरेशन में लिख दिया कि आकाश स्टेशनरी से ख़रीदा है और ये उनका इनवॉइस नंबर है, और नीचे क्योंकि उन्हीं को पैसा देना है अभी तो उनका नाम लिख दिया आकाश स्टेशनरी। तो यहाँ डेबिट साइड भी आती है और क्रेडिट साइड भी आती है। तो इस तरीके से हमारा जो है अकाउंटिंग वाउचर जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है वो भी हमने इस प्रोजेक्ट का पूरा कर लिया। थर्ड हम अभी सब चारों ट्रांजेक्शन या जितनी आप लोगे उतने के बाद किया जाएगा। अब ट्रांजेक्शन थ्री आती है, तो ये बेचने की आई, दो खरीदने की कर ली, अब दो बेचने की करेंगे। सोल्ड की गई गुड्स किसको सोल्ड की गई, सुनील कुमार को। कैसे बेची गई, कैश में। अब कैश में बेचने के बाद सुनील कुमार जो है मेरे लिए इतना इररेलीवेंट हो जाता है कि उसको मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं कैश को ही यूज़ करूंगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ही ये रहता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, जिसको बेचा है उसका नाम आना चाहिए, जिस वजह से हम IGST और CGST चार्ज कर सकें। दो चीज़ें बेची हैं, एक मॉन्टेक्स पेन बेचे हैं, एक रूल्ड रजिस्टर बेचा है। कितने कितने बेचे वो लिखे, क्या रेट लगाए वो लिखे, रेट ऑफ GST क्या है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस बेस पर ये कैश सेल का हमारा टैक्स इनवॉइस बनता है। अब हम सेलर हैं, अब जब जैसे ही हम सेलर हुए तो हम ऊपर आ गए अब, और नीचे कौन आ गए, जिसको बेचा। अब क्योंकि कैश में बेचा है तो बहुत सारी डिटेल इनकी नहीं चाहिए, GST नंबर नहीं होगा, हर एक का नहीं होता। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास तो कोई GST नंबर नहीं है, तो क्या मैं मार्केट में जाके परचेज नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ वो चीज़ें नहीं लिखी, बस जब हम कैश में बेचते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखनी भी नहीं होती, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। जो जो बेचा वो लिख दिया, टोटल अमाउंट आया 500 जिसका मैंने सेल की है, और उस सेल के ऊपर जो है क्योंकि टोटल 12% है और विद इन द स्टेट है क्योंकि यूपी का ही ये हैं और यूपी के ही ये हैं, दोनों पार्टी यूपी की हैं, तो इसलिए 6% आप क्या चार्ज कर रहे हो, SGST और CGST। तो 30-30 रुपये आते हैं, इस तरीके से हम टोटल 560 रुपये चार्ज कर रहे हैं अपने सुनील कुमार से, और कैश हमें मिल रहा है। बाकी डिटेल वही चल रही है, मैंने ये सब इमेजिनरी आइटम्स हैं जितनी मैंने लिखी हैं, अब चाहे बैंक अकाउंट नंबर हो, वो चाहे IFSC कोड हो, IFSC कोड भी इमेजिनरी है, रियल में कोई IFSC कोड नहीं है HDFC का, या हो भी सकता है तो मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं नहीं कह सकता इस चीज़ को। तो ये था कैश सेल करने की का सोर्स डॉक्यूमेंट, ये सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारा जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। अब हम अकाउंटिंग वाउचर बनाएंगे। अब देखिए कैश इन्वॉल्व है, इसका मतलब अब आपको कैश वाला वाउचर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास पैसा आ रहा है तो आप क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। तो देखिए क्रेडिट वाउचर कैसे बनेगा, यहाँ तो आप देखो वो जो रिसिप्ट वाला था जहाँ सैलरी स्लिप वगैरह में 5000 से ऊपर की पेमेंट अगर आप करते हो इस वाले वाउचर में, अगर मैं कैश वाउचर में जाऊँ यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर ये लगा है
रिसीव्ड रुपीज़ सो एंड सो, अगर आप किसी को दे रहे हो पैसे, अब आपने क्या करा, सैलरी दी कैश में या आपने किसी को वेजेस दी, तो आप अगर वो 5,000 से ऊपर देते हैं तो आपको रिवेन्यू स्टैंप लगाकर साइन लेने पड़ेंगे, और नहीं तो बिना रिवेन्यू स्टैंप के आप साइन लेंगे उस व्यक्ति को जिसको पैसा वो आपने दिया है। तो डेबिट वाउचर कैश पेमेंट के लिए बनता है, तो कैश पेमेंट में ये एक कॉलम भी होता है, बट अगर मैं इसमें बात करूँ क्रेडिट वाउचर के अंदर, तो ये कॉलम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या बेचा, डेबिट तो कैश हो ही रहा है, क्रेडिट में क्या आ रहा है, देखिए क्रेडिट वाउचर है इसलिए क्रेडिट ही यूज हो रहा है, क्रेडिट वाउचर क्रेडिट यूज, सेल्स किया आपने वो लिख दिया आपने, फिर जितना जितना आउटपुट आपको मिला जीएसटी वो आपने यहां पर लिख दिया। इस तरीके से आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 560, आप एज अकाउंटेंट साइन करेंगे और जो मैनेजर है वो एज मैनेजर साइन करेगा, किस डेट को है ये, 8 को। तो ये हो गया हमारा जब हम सेल क्या कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। अब अगर उधार में करते हैं तो यहाँ मैंने अब चेंज नहीं की स्टेट, दिल्ली नहीं लेके गया, उत्तर प्रदेश में ही रखा, 12% जीएसटी है, वही दोनों चीज़ें बेची हैं, और कितना कितना बेचा है, क्वांटिटी बढ़ा दी बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम है सब कुछ। तो इस पर क्योंकि अब यहाँ एक चीज़ चेंज हुई कि क्रेडिट में हुई, तो इसलिए अब आप वो क्रेडिट वाउचर नहीं बना सकते, अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र वाउचर। ट्रांसफ़र वाउचर में आप दोनों चीज़ें लिखते हो कि किसको माल बेचा है उसका नाम, वो डेटर बन जाता है आपका, और सेल क्रेडिट होती है, और जो जीएसटी आपको रिसीव हुआ है वो भी क्रेडिट होता है। तो एक नॉर्मल जनरल एंट्री जिस तरीके से होती है उसी तरीके से आपका वाउचर भी प्रिपेयर होता है, और वही अमाउंट वगैरह सब यहाँ लिख दिया जाता है, जिस दिन की है वो डेट आ जाएगी, वाउचर का नंबर आ जाएगा और टोटल अमाउंट ये आ जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा जब क्रेडिट सेल हम करते हैं तो क्या हम करते हैं, किस वाउचर को हम बनाते हैं। अब जो एक पार्ट रह गया था, क्योंकि ये तो हमारा सेकंड स्टेप था जो हमें बोला गया है गाइडलाइंस में कि बनाना है, थर्ड स्टेप हमारा ये है कि अब हम इनको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक में। वाउचर बन गए, सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, तो अब हम अपनी बुक में इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दो ट्रांजेक्शन ऐसी थी जो कैश बुक के थ्रू रिकॉर्ड हो सकती थी, जहाँ पर कैश में डीलिंग थी या बैंक से थी। तो कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम होते हैं, तो इसलिए दोनों ट्रांजेक्शन हमारी इसमें आ जाएगी। एक फर्नीचर खरीदने की जो बैंक में गई है, रीज़न क्या है कि क्योंकि ये NEFT से पेमेंट हुई है। दूसरी है सेल की, पर सेल में कैश में आ रहा है क्योंकि वो एंट्री आपने कैश में की थी। तो बाय फर्नीचर लिखा, बाय इनपुट IGST क्योंकि खरीदने के लिए आप पे कर रहे हो, जब आप सेल करते हो तो आप आउटपुट SGST और CGST को यूज़ करते हो। क्वेश्चन मार्क बैलेंस में इसलिए लगा रखा है क्योंकि बिजनेस जब शुरू होगा उससे पहले कुछ ना कुछ आपके पास पैसा होगा, वो ट्रांजेक्शन मैंने नहीं ली, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। नहीं तो आप अपने प्रोजेक्ट को जब बनाएं तो पहली ट्रांजेक्शन यही ले लेना कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैपिटल के रूप में उस ट्रांजेक्शन को आप बुक में रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग वाउचर बनाकर। फिर उसमें से कुछ पैसा आप अपने बैंक में डलवा सकते हैं, क्योंकि आप पेमेंट कहाँ से करते हैं, बैंक में। तो उसके लिए जब आप बैंक में ट्रांजेक्शन में कैश को डिपॉजिट कराएंगे तो फिर आप क्या जमा करते हो जब बैंक में जाते हो, तो पे इन स्लिप होती है। तो ये आपका एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, और फिर आप इस बेस पर एक अकाउंटिंग वाउचर भी बनाएंगे। तो ये तो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है, पे इन स्लिप, और एक अकाउंटिंग वाउचर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये थी वो ट्रांजेक्शन जो आप अलग से भी कर सकते हैं। दो ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ आ गई विद डेट, जो भी डेट थी वो भी आ गई। दो ट्रांजेक्शन हमारी जर्नल प्रॉपर में गई थी क्योंकि वो जर्नल एंट्री के थ्रू ही हो सकती थी, तो हमने उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी, जैसा हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है खास जो आपको बताया जाए, ये आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छी तरह से आती हैं। जब आप परचेस करते हो तो आप जीएसटी पे करते हो, जब आप सेल करते हो तो जीएसटी रिसीव करते हो। तो ये ट्रांजेक्शन थी और ये इसका थर्ड स्टेप था जो हमें कहा था, अब हमने इनको अपनी ऑफिशियल बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। तो इतना ही ये प्रोजेक्ट था। इसके बाद आप क्या करोगे, आप कंक्लूजन दोगे कि जो भी आपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू सीखा और जो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर आपने किए, रिकॉर्डिंग उनकी की, सोर्स डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया, तो आप क्या समझ पाए और कितनी नॉलेज आपकी एनहेंस हुई और क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो आपने इस पूरे प्रोजेक्ट में सीखी, वो आप यहाँ पर मेंशन अपनी कंक्लूजन में कर देंगे। मैंने छोड़ दी है, आप अपने आप करें।
और इसके बाद आपको बिब्लियोग्राफी लिखनी पड़ेगी। बिब्लियोग्राफी होती है कि आपने जो भी रिसोर्सेज इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज़ की हैं उन सबको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब जिस भी टाइप में आपने यूज़ की हैं आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे और इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट पूरा होता है। और क्योंकि कल भी आपको बताया गया था कि प्रोजेक्ट 20 मार्क का है, तो ये 20 मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इस प्रेजेंटेशन के ऊपर। जितना अच्छा आप इसको प्रेजेंट कर देंगे और जितना मन लगाकर इसको बनाएंगे तो आप उन सब चीज़ों के आंसर भी दे पाएंगे जो आपसे वाइवा में आपके टीचर पूछेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। बाकी दोनों प्रोजेक्ट की वीडियो भी मैं डाल दूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरनल एग्ज़ाम।